गुंगी मोहब्बत मिर्जा अदीब वो दोनों जवान थी और जाहिर है कि जवानी की बहार फरीनी हर नसवानी पैकर के खदोखाल में ख़ास शगुफ्तगी और एक ख़ास दिल आवेजी पैदा कर देती है चुनाचा वो दोनों हसीन भी थी दोनों के कद भी करीबन करीबन यकसा थे दोनों की उम्रों में भी कोई ख़ास फ़र्क ना था एक उम्र सोलह साल के करीब होगी और दूसरी की सत्रह या अठारह के लगभग मगर इन चीज़ों के बावजूद दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क था एक को फितरतन हक़ हासिल था कि वह खूब हंसे और हर वक्त हंसती रहे और दूसरी दुनिया में सिर्फ़ इस घर से पैदा हुई थी कि वह ख्वा हंसे या रोए लेकिन दूसरों को ज़रूर हंसाए। एक इशारों में हकाम सदर करती थी और दूसरी हकाम की बेचू चरा तमीर कर देती थी और सबसे बढ़कर यह कि एक की ज़ुबान इसके मुँह में थी और दूसरी की ज़ुबान इसके हाथों के इशारों में एक का नाम था इंदिरा कागज़ की एक मशहूर फर्म के वाहद मालक सेठ बदरी प्रसाद की इकलौती बेटी दूसरी का नाम था ज्योति लेकिन यह नाम एक शख्स भी बिना जानता था आखिर एक गुंगी लड़की का नाम मालूम करने की ज़रूरत भी क्या है जिस तरह हर शख्स को गुंगी के नाम से वाकफ़ था उसी तरह वो यह भी नहीं जानता था कि वह किस ख़ानदान से तलक रखती है और इसके वालदे कौन थे इंदिरा ने दो एक बार इसके ख़ानदानी हालात मालूम करने की मामूली कोशिश की मगर जब देखा कि इस सिलसिले में हर कोशिश फजूल है तो इसने जांच पड़ताल करने का इरादा ही दिल से निकाल दिया कोई औरत भी ख़ास तौर पर अपनी ख़ादमा के ख़ानदानी हालात मालूम करने के लिए ज़्यादा तगो दो नहीं करती फिर इंदिरा को क्या पड़ी थी कि वो अपनी गुंगी ख़ादमा के हालात दरियाफ़त करती इसके लिए यही काफ़ी था कि इसके घर में एक गुंगी लड़की ज़िंदगी के दिन गुजार रही है जो उसकी ख़ादमा भी है और ज़रिया तफरी भी दोनों की पहली मुलाकात अजीब अंदाज में थी हुई थी एक दिन इंदिरा कॉलेज से वापस आई तो इसने देखा कि गली के एक हिस्से में चंद औरतें और बच्चे खड़े हंस रहे हैं वो वहाँ पहुंची तो मालूम हुआ कि गुंगी, गुंगी के कारण हजूम में खड़ी घबरा रही है जब इंदिरा ने के मतलब कुछ दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि इसके वालदेन बचपन में फौत हो गए थे और अब वो अपने दूर के एक रिश्तेदार के साथ भीख मांग मांग कर अपना पेट पालती है यह दूर का रिश्तेदार एक बूढ़ा था जो इसके साथ ही खड़ा था इंदिरा ने बूढ़े से कहा कि वह किसी दिन गुंगी को इसके मकान पर लाए वो गुंगी से बातें करना चाहती है बूढ़ा पागल था जो इस जरी मौके से फ़ायदा ना उठाता वो दूसरे ही दिन गुंगी को सेठ बद्री प्रसाद के आलीशान मकान पर ले आया चंद लम्हों के बाद घर के लोग इसके इर्द गिर्द खड़े थे अब गुंगी है के कमरे की हर चीज़ को बड़ी हैरत से देख रही है और लोग हैं कि इसकी हर हरकत से लुत्फ लुफानंदोज हो रहे हैं इंदिरा तो इसकी हरकत से इस कदर महजूज़ हुई कि इसने बूढ़े से कह दिया अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो गुंगी को यहीं रहने दो इसके तमाम अखराज की ज़िम्मेदारी हम पर आयद होगी तुम्हारे गुजारे के लिए भी कुछ ना कुछ माना दे दिया करेंगे बूढ़े ने यह बात बाखुशी मान और गूंगी इंदिरा के यहाँ रहने लगी उसे वहाँ रहते अभी चंद ही माँ गुजरे होंगे कि वो घर की फिजा से पूरी तरह मानूस हो गई अब ना तो उसे इशारों के ज़रिए अपनी माँ फ़ीस ज़मीर बताने में कोई दिक्कत महसूस होती थी और ना घर वालों को इसके इशारों में मफहूम समझने में किसी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता था गुंगी में जहाँ और ख़ूबियाँ थीं वहाँ यह ख़ूबी भी थी कि वह घर के हर फर्द का दिलो जान से एहतराम करती थी यह ख़ूबी किसी और खादमा में होती तो घर के लोग इसकी बहुत कदर करते मगर ना मालूम क्या बात थी कि इन तमाम ख़ूबियों के बावजूद गुंगी को सिर्फ़ गुंगी ही समझा जाता था और गुंगी समझते वक्त समझने वालों की निगाहों के सामने इसकी ज़्याा खेज़ हरक़त होती थी ख़ूबियाँ नहीं इंदिरा इसकी ख़ूबियों से काफ़ी मुतासर थी और जब वो इससे बातें करती तो सब कुछ भूल कर उसे मखज़ एक ज़रिया तफरी समझने लगती तहम गुंगी को इसकी कोई शिकायत ना थी कोई शिकवा ना था आम तलीम याफ़्त और रोशन ख्याल अमीर जादियों की तरह इंदिरा को भी फ़नून लतीफ़ा से दिलचस्पी थी बिलखसूस फ़न मसवरी में तो इसकी दिलचस्पी का ये अलम था कि किसी अला पाया कि तस्वीर के हिस्सों में अगर उसे बड़ी से बड़ी रकम भी सर्फ करना पड़ती तो वह बेदरीक सर्फ़ कर देती थी चुनाचा यही वजह थी कि जब इसने अखबार में एक शानदार नुमाइश का ऐलान पढ़ा तो इसकी खुशी की कोई इंतहा न रही अखबार में जो ऐलान शाया हुआ था इसमें दर्ज था कि नुमाइश गाह में जहाँ मरहूम सवरों की तस्वीरें दिखाई जाएंगी वहाँ पब्लिक को मुल्क के मौजूद मुसवरों के खास कारनामों से भी रोशनास कराया जाएगा इस एलान ने इंदिरा के दिलो दिमाग में एक हिजान परपा कर दिया और वो बड़ी बेताबी से दिसंबर के आखिरी हफ्ते का इंतज़ार करने लगी खुदा खुदा करके इंतज़ार की कठन घड़ियाँ ख़त्म हुई इंदिरा नुमाश के पहले रोज़ ही अपनी चंद सहेलियों और गुंगी को साथ लेकर नुमाइश गाह में पहुँच गई और सबसे पहले इसने आर्ट गैलरी ही की तरफ कदम बढ़ाया इसकी सहेलियाँ तो चंद मिनट में चंद तस्वीरों का जायज़ा लेने के बाद कुर्सीों पर बैठ गई मगर इंदिरा हर तस्वीर को दिलचस्पी और इस महवियत से देख रही थी कि मालूम होता था शाम तक वो किसी और तरफ़ तवज्जो ही नहीं करेगी यकायक उसे महसूस हुआ कि तमाम तस्वीरों को देख चुकी है वो जो आर्ट गैलरी में मौजूद थी एक खास हसरत के अंदाज़ में इसने आखिरी तस्वीर से निगाहें हटाई और अपनी सहेलियों के पास आ बैठी अभी उसे बैठे एक मिनट ही गुज़रा होगा कि इसकी एक सहेली बोली तुम तो खैर आर्ट की ही हो बड़ी दिलदादा लेकिन तुम्हारी गुंगी आठ प्रस्ती में तुमसे भी दो कदम आगे निकल गई है इंदिरा हैरत से अपनी सहेली को देखने लगी सहेली ने इसका हाथ पकड़ा और इसे एक कोने में ले गई अब इंदिरा ने देखा कि खुदा की वो अजीब मखलूक गुंगी बड़ी दिलचस्पी से एक तस्वीर देख रही है क्यों ना हो आखिर मुलाजमा किसकी है इसकी सहेली बोली इंदिरा ने आगे बढ़ अपना हाथ गुंगी के कंधे पर रख दिया गुंगी पलटी और जिस तरह बुझते हुए चिराग की रोशनी मधम पड़ जाती है उसी तरह उसकी आंखों की रोशनी गायब होने लगी इंदिरा ने गुंगी के चेहरे पर चेहरे से नज़रें हटाकर तस्वीर को देखा और यह देखकर उसे हैरत भी हुई और मसरत भी कि यह तस्वीर गैलरी की बेहतरीन तस्वीर है ऐसी तस्वीर इसने अपने तमाम उम्र में नहीं देखी थी वह दिल ही दिल में गुंगी का शुक्रिया अदा करने लगी कि उसी की वजह से वो ऐसी कामयाब तस्वीर देख रही थी वरना वो तो बज में ख्वाहिश तमाम तस्वीरें देख कर वापस जा रही थी इस तस्वीर में रंगों के नहायत दिल आवेज़ इम्तज़ाज से दिखाया गया था कि एक अंधी लड़की एक नौजवान के पाँव पर इस तरह गिर पड़ी है कि उसकी बाहें अपने महबूब की टांगों के गर्द हमायल हो गई हैं तस्वीर के नीचे लिखा था एक राज का इंकशाफ इस तस्वीर ने इंदिरा को बहुत मुतासर किया था और वो चाहती थी कि मशवरी के इस बेनज़ीर नमूने की हर वक्त देखती रहे हर घड़ी देखती रही आहर इसने नुमाइश गाँ के मुंतजम से मुश्वर का नाम और पता पूछा और घर रवाना हो गई एक हफ़्ते के बाद एक नौजवान जिसके लिबास से गुर्बत टपक रही थी इंद्रा के सामने खड़ा था क्या आपका नाम दीपक है और आप ही के मुकलम की मज़ज़ असर जुम्बिशों का नतीजा है एक राज का इंकशाफ इंदिरा ने उससे पूछा जी हाँ मेरा ही नाम दीपक है ज़रा नवाजी का शुक्रगुजार हूँ मैं समझता हूँ इसमें कोई ख़ास खूबी मौजूद नहीं है यही वजह है कि किसी शख्स ने भी इस तस्वीर को ख़रीदना तो एक तरफ रहा उसकी तारीफ में भी दो अल्फाज लफज नहीं कहे मैं मायूस हो चुका था मगर अब ये देखकर कि दुनिया में मेरे आर्ट के भी कदरदान मौजूद हैं मेरी हिम्मत बन गई है गालिबा आपने नुमाइश गाह के मुंतज़म से तस्वीर ख़रीदने का इरादा ज़ाहिर किया था मुशवर ने सब कुछ एक ही सांस में कह दिया हाँ मैं इस तस्वीर को ख़रीदना चाहती हूँ मगर मुंतज़म से नहीं ख़रीदूँगी अगर आप उसे अपनी तोहन ना समझें तो मैं अर्ज़ कर दूँ कि यह तस्वीर मैं बर रास्त मुश्वर से हासिल करने का शरफ़ हासिल करूँगी फ़र्त मुसर्रत से मशवर का चेहरा सुर्ख हो गया हाँ मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ आपको मालूम हो चुका है कि मुझे फन सवरी से बड़ी दिलचस्पी है आज तक तस्वीरों को फ्रह कर कर करके अपना शौक़ पूरा करती रही अब मेरी आर्ज़ू यह है कि ख़ुद भी कागज़ को दागदार बनाने की कोशिश किया करूं अगर आपको कोई उज़र ना हो तो पिताजी से दरियाफ़्त कर लूं मैं आपका मफहम नहीं समझ सका माफ़ कीजिएगा मुसवर ने घबराहट में कहा आप समझ गए हैं फनम सवरी में आप मेरे उस्ताद होंगे मुझे इसमें कोई उज़र नहीं तो चलिए पिताजी के पास इंदिरा ने मुस्करा कर कहा भला सेठ बदरी प्रसाद अपनी इकलौती बेटी की ख्वाहिश को रद कर सकता था क्या मुसवर दीपक हर रोज़ वक्त मकर पर कोठी में आता और अपना फ़र्ज़ पूरा करके चला जाता कई हफ्ते गुजर गए और इस मुद्दत में बेतकल्फ़ी तो रही एक तरफ इसने बगैर किसी शदीद ज़रूरत के किसी से बात भी ना की इसके बावजूद कोठी में एक ऐसी हस्ती भी मौजूद थी जो किसी न किसी हद हाँ तक इससे बेतक्ल्लफ़ हो गई थी यह बेतकल्लफ होती जा रही थी और वह हस्ती थी गुंगी ज्योति दीपक जैसा कि एक मसवर को होना चाहिए बहुत संजीदा इंसान था तहम जब गुंगी इसके सामने आकर अजीब अजीब मजहका के हरकतें करने लगती तो बेअ्तियार हंस पड़ता और गुंगी भी इसके साथ हंसने लगती इंदिरा को जब काम से फुर्सत मिल जाती और दीपक भी फारग हो जाता तो दोनों देर तक गुंगी के इशारों से महजूज़ होते रहते गुंगी के कहकहों से भी मालूम होता था कि यह क़ुत गोयाई से महरूम हस्ती अपनी महरूमियों बेचारगी को यकसर फरमोश कर चुकी है उसे अपने गूंगेपन का ज़र्रा भर भी अफसोस नहीं और इस पर इंदिरा और दीपक दोनों इजहार हैरत करते रहते थे गुंगी के स्पुर घर के कई काम काज थे तहम वो दीपक की आमद से पेश तमाम फ़राज पूरे करके इंदिरा के कमरे में पहुंच जाती और जब तक दीपक वहाँ मौजूद रहता वो चुपचाप कूच पर बैठी रहती दीपक कई रोज़ से एक तस्वीर बना रहा था और इस तस्वीर का मॉडल था इंदिरा जब तस्वीर मुकम्मल हो गई तो गुंगी भी अपनी तस्वीर की आर्ज़ू का इजहार करने लगी गुंगी कई दिन से अपनी आरज़ू का इजहार कर रही थी जब दीपक आता तो वह इसके सामने स्टूल पर बैठ कर इस तरह खामोश हो जाती गोया वह मॉड्यूल है इस पर इंदिरा भी हंस पड़ती और दीपक भी इन्हीं दिनों अचानक इंदिरा की तबीयत अलील हो गई अब दीपक का एक काम यह था कि दिन के किसी हिस्से में इंदिरा के यहाँ आए और इसकी हालत देकर वापस चला जाए ज्योति एक तरफ तो रात के दो दो बजे तक अपनी मालिका की खबरगिरी करती रहती थी और दूसरी तरफ नामालूम क्यों इसकी फितरी शौखी गायब होती जा रही थी वो अब भी हंसती थी मगर ये हँसी फीकी फीकी मालूम होती थी वह अब भी दीपक के साथ इशारों में बातें करती थी लेकिन जिजक एक झिझक एक ख़ास हिचकिचाहट के साथ बाज़ात रात को इंदिरा की आंख अचानक खुल जाती थी तो वह देखती थी कि ज्योति कूच पर बैठी फरश पर पड़ी हुई अंगीठी की चिंगारियों को एक ख़ास महवियत के साथ देख रही है इसने गुंगी से इस तब्दीली की वजह पूछने की कोशिश की मगर अव्वल तो गुंगी अपनी मालिका का, का मफहूम ही नहीं समझ सकती थी तो ज़रा मुस्कुरा कर खामोश हो जाती थी एक दिन इंदिरा ने दीपक से कहा शायद हमारी गुंगी हमसे नाराज़ है देखिए तो आजकल कुछ खामोश और अफसरदा सी रहती है इसकी तस्वीर बना दीजिए ना बस इसी बात पर खफा हो गई है दीपक ने हंसकर कहा और दूसरे दिन जब वो आया तो ज्योति का हाथ पकड़कर उसे स्टूल की तरफ ले गया ज्योति समझ गई इसकी आंखों में चमक सी पैदा हो गई एक ऐसी चमक जो बुझती हुई चिंगारी के एक दम रोशन हो जाने से पैदा हो जाती है लेकिन दूसरे ही लम्हे में चमक दूर हो गई दीपक ने देखा कि गुँगी बसूरतें इनकार अपना सर हिला रही है दीपक ने बेहतरी कोशिश की कि वह स्टूल पर बैठी रहे लेकिन गुंगी उठकर चली गई इंदिरा ने भी उसे समझाने की कोशिश की मगर गुंगी अपनी ज़िद पर बदस्तूर कायम रही इंद्रा कहने लगी बेचारी कई रोज़ से कह रही थी मेरी ख़ूबसूरत तस्वीर बना दो मगर आपने तवज्जो ही न की गोया इसका मुतालबाब अपने अंदर कोई ताकत ही नहीं रखता बेचारी खफा ना हो जाती तो और क्या करती इंदिरा ने यह लफ्ज़ बड़ी हमदर्दी से कहे दीपक बोला इसकी ख़ूबसूरत तस्वीर का तो क्या जिक्र यह खुद भी तो खूबसूरत है अगर बेचारी गुंगी ना होती तो ना मालूम कितनी निगाहों का मरकज बन चुकी होती इंदिरा ने इसका कोई जवाब ना दिया दूसरे दिन ज्योति ख़ासतौर पर अफसरदा थी इंदिरा ने उसे खुद स्टूल पर बैठा दिया यक़्त गुंगी का चेहरा शगुफ्ता हो गया और वह सर झुका कर बैठ गई ज्योति की तस्वीर बनने लगी जब तक वह स्टूल पर बैठी रहती थी ऐसी हरकतें करती रहती थी गोया बहुत परेशान है दो तीन दिन के बाद इसकी तबीयत में सुकून पैदा हो गया और अब वो दीपक के मना करने के बावजूद इसके चेहरे को टिकटिकी बांध कर देखती रहती थी तस्वीर मुकम्मल हो गई अपनी तस्वीर देखकर उसकी बादशें खुल गई चंद हफ्ते गुजर गए इंदिरा सेहतियाब होकर दीपक की जेर हदायत नहीं नई तस्वीर बनाने लगी ज्योति की तबीयत में फिर तब्दीली पैदा हो गई थी अब वो फिर हर वक्त परेशान नजर आती थी पहले इससे झायका खेस हरकतें होती थी तो वह दूसरों के साथ खुद भी हंस पड़ती थी अब वो भी इस किस्म की हरकतें करती थी मगर इसकी हरकतों से मालूम होता था कि वो खोए खोई सी है घर में इसकी अफसरदगी का मतलब दो वजू पेश किए जाते थे दीपक का ख्याल था कि उसे अपने वालदे और रिश्तेदारों की याद सता रही है और इंदिरा का ख्याल था कि अब उसे अपने बेचारगी का शदीद एहसास पैदा हो गया यही वजह है कि वो हर घड़ी गमगीन दिखाई देती है एक दिन ज्योति इंदिरा के ड्राइंग रूम में जाकर दीपक की तस्वीर देख रही थी यका ये एक हाथ इसके शाने पर लगा इसने मुड़कर देखा और बेख्तियार होकर दीपक के हाथ को ज़ोर से पकड़ लिया दीपक ने कह कहा लगा कर कहा डर गई बिचारी, देख क्या रही थी इंदिरा ने पूछा तुम्हारी तस्वीर पगली हर वक्त खोई खोई रहती है कल अपनी तस्वीर देख रही थी आखिर इसकी परेशानी की वजह क्या है मैं खुद भी नहीं जानती इंदिरा ने जवाब दिया ज्योति चली गई इंदिरा इसके बाबा को ढूंढो मुमकिन है इसकी जुदाई में मगमूम हो दोनों कमरे से बाहर निकल आए ज्योति दीवार से लगकर खड़ी थी और अंगूठे के नाखून से चूना खरोच रही थी गुंगी ने लाख कोशिश की कि अपने दिल से इस खौफनाक जज्बे को निकाल दे जिसका जहर लम्हा ब लम्हा बिखरता चला जा रहा था लेकिन ऐसा ना हो सका इसका मासूम दिल और इसका दिमाग जंजीरों में जकड़ दिया गया था उन जंजीरों को तोड़ना इसके बस की बात न थी वह रात को बिस्तर पर लेटती तो दिल में हद कर लेती कि अब सुबह हरगिज इंदिरा के कमरे में नहीं जाएगी अब हरगिज दीपक की सूरत नहीं देखेगी मगर जब सुबह होती तो एक जज्बा उसे कशाँ कशाँ उस जगह ले जाता जहाँ चमकती दो बड़ी आँखें दो बड़ी बड़ी आंखें उसे इस तरह महसूस कर लेती जिस तरह सांप की आंखें परिंदे को महसूस कर लेती हैं उसका हर इरादा दम तोड़ देता उस वक्त इसकी हालत उस परिंदे की सी हो जाती जिसके पर शिक्स्त और जो इन बेचारगी के आलम में दूर दराख्त की एक शाख पर अपने निशाने को देख रहा हो उसकी ज़ुबान घुँगी थी मगर दिल तो गूंगा नहीं था और इसके दिल की ज़ुबान इसकी घुँगी जुबान से नामालूम क्या कुछ कहती रहती थी लेकिन जैसे ही वो अपने खूबसूरत जादूगर के सामने आती आए बाएँ के सिवा इसकी ज़ुबान से कुछ भी ना निकलता दीपक हंस पड़ता और गुंगी के सीने का शोला और भी भड़क उठता कई बार इसने तन्हाई में अपने महबूब के सामने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े राज को मुनकश करना चाहा और जब कभी इसने ऐसी कोशिश की इसकी बेमानी आवाज़ दीपक के कहकों से टकराकर हवा की गोद में दफन हो गई ज़िंदगी की कितनी बड़ी महरूमी दीपक इसकी हरक़त को उसकी बेमानी आवाज़ को क्या अहमियत दे सकता था वो समझता था गुंगी बीमार और बीमारी ही की वजह से ऐसी हरकतें कर रही है इंदिरा को भी अपनी खादमा का ख़ास ख्याल था चुनाचा उसने डॉक्टर को बुलाकर गुंगी के इलाज का अदा कर लिया डॉक्टर ने गुंगी की तमाम कैफ़ियत सुनी और इसका इलाज करने लगा गुंगी ने यह समझ करके इसका राज किसी दूसरे पर मुनकशिफ ना हो जाए संभलने की कोशिश शुरू कर दी आखिर उसकी कोशिश कामयाब हो गई अब हर शख्स की निगाहों में गुँगी सेहतियाब हो गई थी